हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो आज डेट है एटीन जनवरी तो आज मैंने क्या किया कल हमने क्या एनालिसिस किया था प्लस कल क्या हो सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो क्विकली एनालिसिस करते हैं हमने कल क्या प्लानिंग किया था तो कल मैंने एक बाय साइड का प्लानिंग किया था जो हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं मतलब वो ट्रिगर ही नहीं हुआ वो लेवल ही मेरे एक्टिवेट हुआ नहीं सेकंड मैंने डिस्कस किया था कि यस वन यस टू नहीं तो फिर गैप डाउन हुआ तो क्या करना है फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्या रहेगा फर्स्ट मेरा प्लान क्या रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो कुछ भी ट्रेड लिया वो डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि आज मैंने आप देख सकते हो पोजीशन में क्लियरली आपको दिख रहा है कि मैंने 21,500 के फूट में आज ट्रेड लिया ठीक है अभी सबसे पहले हम निफ्टी फिफ्टी का चार्ट एनालिसिस करते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ पे किया एग्जिट कहाँ पे किया उसके बाद में ऑप्शन के चार्ट पे जाऊंगा क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ स्टॉप लॉस टारगेट प्लेसमेंट के लिए मैं ऑप्शंस का चार्ट यूज करता हूं और स्पॉट का चार्ट में एंट्री फाइनल करने के लिए यूज करता हूं ठीक है तो जैसे आप देख सकते हो हमने ये एनालिसिस किया था कल एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग निफ्टी आज ओपन हुआ गैप डाउन ओपन हुआ आजकल इधर उधर वो एडीआर सब स्टॉक्स विप्रो एच डी सी बैंक जो दिखता है वो नीचे खुलता है उसके कारण निफ्टी भी नीचे खुला जैसे ही मार्केट नीचे खुला निफ्टी नीचे खुला आप देख सकते हो ये कैंडल है इसे हम ग्रीन भी नहीं बोल सकते रेड भी नहीं बोल सकते कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि नीचे भी मारामारी हुआ है ऊपर भी मारामारी हुआ है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया अभी देखा जाए तो सपोर्ट के आसपास ग्रीन कैंडल देखते ही बाय करना चाहिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगर आप देखोगे ट्रेंड क्या है अपना 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था एक दोन ग्रीन कैंडल देख के हम इसे इतना भी इजीली भाव नहीं देख सकते अभी थोड़ा बिहाइंड द सीन क्या हुआ ये देखने के लिए अभी मैं सीपीआर लगा रहा हूँ पीओ लगा रहा हूँ ठीक है तो अगर आप क्लियरली देखोगे मूविंग एवरेज में टेम्पररी गायब करता हूं अगर आप देखोगे पीओट डाउन ट्रेंड में थे सीपीआर के नीचे मार्केट है प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट है यस वन के भी नीचे मार्केट है तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन हुआ लेकिन वो यस वन के ऊपर जा नहीं पाया सेकंड कैंडल ये क्या हो गया हाँ सेकंड कैंडल ने भी ट्राई किया ऊपर जाने का लेकिन उससे भी कुछ हुआ नहीं तो थर्ड कैंडल रेड था मेरे सेटअप में था रिजेक्शन दे रहा था सपोर्ट को बेसिक्स ऑफ सपोर्ट आई होप बेसिक्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस सबका ओके okay हो इन शॉर्ट मैं बताता हूँ अभी ये एक कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन है अभी इसे सपोर्ट बोलना है रेजिस्टेंस बोलना बोलना है 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 जो कुछ बोलना है, बोलो अगर मार्केट ऊपर से अप्रोच कर रहा है, ये लेवल के आसपास और ये सपोर्ट लेवल है तो मार्केट क्या होता है यहाँ से बाउंस होने के चांसेस होते हैं सेम क्या होता है अगर मार्केट नीचे से अप्रोच कर रहा है ऊपर की तरफ तो ये जो पिछला वाला सपोर्ट होता है ये अभी एज ए रजिस्टेंस वर्क वर्क होता है इसका डिटेल वीडियो मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो ही इसके ऊपर था क्योंकि यही है राउंड फिगर घुमा फिरा के सब बातें सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के ऊपर ही आती है तो इसलिए मैंने जब चैनल ओपन किया था लास्ट ईयर तो सबसे फर्स्ट वीडियो मेरा सपोर्ट एंड है तो जैसे ये वीडियो आपका खत्म होगा एक बार वो वीडियो भी आप चेकआउट करो ठीक है तो इसी के लॉजिक के बेसिस पे जैसे ही मार्केट एक दोन ग्रीन कैंडल है लेकिन इसे मैंने इग्नोर किया क्यों इग्नोर किया सपोर्ट के नीचे जो भी चल रहा था वो चल रहा था ट्वेंटी एम के नीचे था प्योट के नीचे था सब कुछ बेरिश था तो थर्ड कैंडल जैसे खत्म हुआ मेरा सेटअप ट्रिगर हुआ ये कैंडल मेरे सेटअप में बैठता था तो यहाँ पे मैंने फाइनल किया कि अभी पुट लेना है तो मैंने डिसाइड किया कि प्रीमियम कौन सा डिसाइड किया ये भी आपको पता है हंड्रेड रुपीज के आसपास नहीं तो हंड्रेड के ऊपर मुझे जो कुछ भी दिखता है मैं उसे साइड में लेता हूँ और उसमें ट्रेड करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या है फर्स्ट कैंडल क्या है आर के ऊपर है आर के ऊपर है फर्स्ट कैंडल क्या है यहाँ पे डोजी है डोजी के बाद फिर भी अगर अगर आप चेकआउट करोगे तो इनसाइडर कैंडल है लेकिन इनसाइडर कैंडल कहाँ पे है आर टू के ऊपर है मतलब आर टू सपोर्ट वर्क हो रहा है तो जैसे ये कैंडल खत्म हुआ थर्ड कैंडल खत्म हुआ मैंने वहां पे एंट्री करी प्लस जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ट्वेंटी थाउजेंड अभी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में वन एस टू थ्री का अटेम्प्ट कर रहा हूं इसमें मैंने और एक दो तीन माइनर चेंजेस किए हैं, जिसके कारण अभी वन टू थ्री के ऊपर रिस्क मिलेगा रिवॉर्ड मिलेगा थ्री ऊपर जितना मिलेगा वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री टाइप रहेगा मैं शॉर्टली कभी आपको बताता हूँ कि इसमें मैं क्या चेंज करने वाला हूँ क्या नहीं लेकिन मेरा इधर ही अचीव हुआ था लेकिन मैंने जो चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कैंडल जैसे क्लोज हुआ पे मैं एग्जिट हो गया ऑलमोस्ट ये ट्रेड में मुझे अराउंड फिगर फोर ही बोल सकते हो ठीक है अराउंड सिक्सटीन सेवनटीन रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों किया मैंने ऑलरेडी अभी बताया स्पॉट के चार्ट का रीजन बताया यहाँ पे प्योड भी है एंट्री हुआ स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग के आसपास मैं यहाँ पे लगाता हूँ टारगेट वन एच टू थ्री लगाता हूं लेकिन अगर आप मेरा सेटअप फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अभी दिखने में अच्छा लगता है लेकिन रियल लाइफ में अगर आप करने के लिए जाओगे तो पॉसिबल नहीं है तो वन एच टू टू जितना आपको मिलता है जितना मिलता है मतलब वन एच टू टू के आसपास जो कुछ मिलता है वो लेके आप लोग निकल जाओ अभी ये मैंने किया है लेकिन इसके पीछे किस कितना एक्सपीरियंस है क्या है बस ये मुझे ही पता है और आपको भी पता होगा कितने साल से कर रहा हूँ जो ओल्ड फॉलोअर्स है उनको तो सब पता है तो ये आज के ट्रेड का लॉजिक था प्योर था ट्रेंड था इसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड किया इससे इसमें ज्यादा अभी कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं ठीक है अभी आ जाते हैं कि कल क्या करना है और क्या नहीं सबसे पहले आज जो कुछ भी एनालिसिस किया था ये सब लेवल्स में गायब कर रहा हूँ सीपीआर गायब कर रहा हूँ और मैं अभी आ जाऊंगा डेली चार्ट पे तो डेली चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है प्लस अभी मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल जो था उसी के नीचे अभी कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो जब तक मार्केट ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी ये जोन के नीचे है मैं बुल साइड के लिए अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्यों अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे मार्केट की स्ट्रक्चर की पूरी वाट लग गई है यहाँ पे अभी ऊपर भी कुछ ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं है नीचे से भी कुछ ट्रेन लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता अभी एक ही चीज है जो अपने फेवर में है अपने सेटअप के रिलेटेड है जो है ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में मैं थोड़ा बफर पॉइंट्स ऐड करूंगा जो हो गया अपना ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव फिफ्टी के आसपास फाइव हंड्रेड टू फाइव ट्वेंटी अभी मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी किया है लेवल का अभी डेली चार्ट पे मुझे एक ही लेवल मिला जो रजिस्टेंस है अभी सपोर्ट देखते हैं कहाँ पे तो अगर आप देखोगे लास्ट टाइम यहाँ पे प्राइस एक सेकंड इसे ग्रीन करना पड़ेगा अगर आप ठीक से देखोगे लास्ट टाइम यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेड हुआ था मल्टीपल टाइम्स वन टाइम ओके okay, थोड़ा वीडियो थोड़ा बीच में इंटरप्ट हुआ था तो मैं बात कर रहा था ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की और अभी ये जो हमने सेकंड सपोर्ट लेवल निकाला हुआ है ये भी कहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लास्ट टाइम मतलब प्रीवियस में मार्केट यहाँ पे रिएक्ट मतलब हो रहा था वन टाइम यहाँ पे बाइंग खत्म हुआ यहाँ पे बाइंग चालू हुआ अभी सेम रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे बाइंग चालू हो रहा है वैसे देखा जाए तो मेरा एक छोटा सा प्रेडिक्शन क्या है कि मार्केट ने अभी बहुत डेंजर मूवमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी एक राउंड फिगर नौ सौ पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है प्लस कल फ्राइडे है तो हाई चांसेस है फ्राइडे के दिन आपको ही पता है मार्केट कैसे ऑप्शन बायर को नचाता है तो डांस करने से अच्छा दो तीन और लेवल्स निकालते हैं जहां पे हम एटलीस्ट ट्रेडिंग अवॉइड कर सके ठीक है तो डेली चार्ट पे करंटली कुछ भी नहीं मिल रहा है सपोर्ट एक ड्रॉ किया हमने रजिस्टेंस भी ड्रॉ किया अभी वीडियो बना दो था अभी फोर्सफुली कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते ठीक है तो मैं आ जाता हूँ अभी पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आई गेस ठीक है कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते इधर उधर कुछ भी नहीं छाप सकते अः यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ट्रेन लाइन देखो ट्रेन लाइन ऐसा मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऊपर भी एक ट्रेन लाइन ऐसा मैं ड्रॉ कर सकता हूँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है ओवरनाइट गैप अप और गैप डाउन का अभी कल आज जैसे हुआ कल जैसे हो रहा है ओवरनाइट गैप अप और गैप डाउन हुआ तो इसका मैं एडवांस में सोल्यूशन बताता हूं हम एनालिसिस करते हैं ये एनालिसिस करंट लेवल्स के अराउंड रहता है लेकिन गलती से मार्केट कुछ तो ऊपर खुला एक्सट्रीम ऊपर खुला एक्सट्रीम नीचे खुला तो जो कुछ भी करना होता है मैं आपको लाइव मार्केट में गाइड करता हूँ तो वो आपको गाइडेंस चाहिए तो अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला चैनल है आप लोग वहां पे ज्वाइन हो सकते हो अगर मुझे कुछ कन्फर्मेशन के साथ मिला तो ही मैं उधर पोस्ट करता हूँ कि ये सपोर्ट लेवल है ये रजिस्टेंस लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो ठीक है तो थोड़ा रिवर्सल का भी प्लानिंग करते हैं बाइंग में कहाँ पे करने का कल प्लान आउट करूंगा ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और फाइव ट्वेंटी ये जोन के अगर आसपास मुझे बाइंग का कैंडल बुलिश कैंडल पुट राइटिंग ये चीजें कुछ दिखा तो मैं अटेम्प्ट करूंगा ये चैनल के लिए ठीक है तो मैं करंटली बाय साइड का एक ही प्लान बना के चल रहा हूँ क्योंकि मार्केट की लगी पड़ी है तो बाय साइड के मैं ज्यादा प्लानिंग नहीं करूंगा ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव ट्वेंटी के ऊपर अगर मुझे यहाँ पे चांस मिला बाइंग का तो ही मैं अटेम्प्ट करूंगा ज्यादा नहीं एक फिफ्टी फोर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी पॉइंट्स ऑप्शन में इजिली मिल जाएंगे उससे ज्यादा मैं खुद होल्ड नहीं करता तो आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं कि हंड्रेड पॉइंट्स का ट्रेड मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा कुछ भी नहीं ठीक है तो अभी हाँ ये प्लान जब एक्टिवेट होगा अपना तो हमें ट्वेंटी पीरियड मूविंग एवरेज भी ऑब्वियसली यहाँ पे हेल्प करेगा ठीक है तो एक प्लान सेट है अभी सेलिंग साइड का अगर प्लान करना हो तो प्रॉब्लम क्या है अभी सेल साइड का प्लान करने के लिए मार्केट में अगर आप देखोगे तो आई गेस ट्वेंटी वन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जाओ एक्सपायरी चेंज करना पड़ेगा आज के एक्सपायरी का, का काम खत्म हो होगा ऑटोमेटिक रिप्लेषुआ गया ठीक है ऑटोमेटिकली ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड में आई गेस अभी अच्छा खासा सपोर्ट ये लोगों ने क्रिएट किया है ठीक है तो ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड करंटली अगर आप देखोगे ठीक से देखोगे तो ये स्ट्रांग सपोर्ट हम बोल सकते हैं ये क्यों मैं बोल रहा हूँ इसमें एट्टी थाउजेंड के आसपास पुट का हुआ है और यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड ये कॉल का ओआ है तो डबल है पुट का हुआ है कंपेयर टू कॉल का ओआ है डबल है तो अभी के लिए ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन रहेगा ओके तो इसी के अराउंड में प्लानिंग करूंगा कि कुछ सेल पोजिशन बनाना है कि नहीं ओके मतलब ये जोन के आसपास हमारा सेल साइड का प्लान रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो गलती से किसी ने बाइंग किया होगा यहाँ पे कि अभी मार्केट यहाँ से शूट करेगा ऊपर ऊपर जाएगा तो ये सब लोगों के स्टॉप लॉस ये जोन के आसपास है तो इसी के लिए अगेन ट्वेंटी थ्री एटी ये लेवल अगर निकाल देता है तो मार्केट तो यहाँ पे आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेल साइड का यहाँ पे भी आप लोग अराउंड फोर्टी थर्टी टू फोर्टी पॉइंट्स के ऑप्शंस के प्रीमियम में आप लोग टारगेट कर सकते हो ठीक है तो मैं अभी वीडियो ज्यादा खींचूंगा नहीं हमने ये देखा कि आज मैंने कहाँ पे बाइंग किया मतलब पुट कहाँ पे बाइंग किया ये डिस्कस किया कल के लिए हम एक ही बाइंग का प्लान कर रहे हैं एक ही सेलिंग का प्लान कर रहे हैं लेकिन ये जो कुछ भी प्लान्स है ये आप थोड़ा कम रिस्क के साथ फॉलो करो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एट हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है और फ्राइडे के दिन ज्यादातर होता क्या है ये लोग ऊपर भी नहीं लेके जाते मार्केट को नीचे भी नहीं लेके जाते प्लस एक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कैंडल भी बना हुआ है आज चार्ट पे क्योंकि पहले सेल ऑफ आया बाद में बाइंग आया फिर से मार्केट घूम फिर के जहां पे ऑलमोस्ट ओपन हुआ था उधर ही जाके क्लोज हो रहा है तो मार्केट में सब लोग कंफ्यूजन में तो यहाँ पे पैसा लगाने से अच्छा थोड़ा मतलब लगाओ ना लगाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एक दस लॉट से ट्रेडिंग करते हो तो पांच छह सात ऐसा रिस्क कम करके ट्रेडिंग करो जब तक मार्केट रेंज में है ठीक है प्लस मैंने जो दो प्लान आपके साथ शेयर किए आप लोगों फॉलो करो आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी आया तो क्या करना है क्या नहीं ये मैं आपको अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर करूंगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही मोर देन इनफ पे अभी हम कल मिलेंगे कल फ्राइडे आई एस अभी हम डायरेक्टली मंडे के दिन मिलेंगे ठीक है तो यहाँ तक वीडियो देखा हो तो थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये बताओ आज आपने कितना प्रॉफिट किया कितना नहीं ठीक है बाय बाय